नमस्कार दोस्तों, किसी के बारे में गलत अनुमान कभी भी मत लगाए करो, क्योंकि आप ये बात नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितने कष्ट भरे हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 10 अप्रैल दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आज मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग है 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। आज की तिथि है चतुर्थी। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:01 पर, और सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:43 पर। दोस्तों, आज आपका शुभ समय है सुबह 11:12 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। यदि दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो तो इसी समय करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:58 से दोपहर 3:34 पर। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 2 और लकी कलर है सुनहरा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे में कुछ खास उपलब्धियां आप लोगों के हाथ लगने वाली है। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी, नया समय आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए आज आपको शाम 8:58 से कुछ बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लग सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हाल ही में मिली सफलता या आमदनी के नए स्रोत के माध्यम से धन मिलेगा। इस धन का सोच समझकर प्रयोग करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद खास है, डॉक्टर के पास जाना भी आवश्यक हो सकता है। सामाजिक कार्यों का आनंद लें, लेकिन एकांत और आत्मनिरीक्षण के लिए समय अवश्य निकालें। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कोई बुरा विचार नहीं है, खासकर जब आप किसी समस्या में हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, टाल दें। अपने परिवार को समय ज़्यादा दें, उसके बाद आप कुछ बड़ा परिवर्तन पा सकते हैं। आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है, परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करें व धन को कैसे बचाया जाता है ये सीखेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले समय में काफ़ी काम आएगा। ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाए। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोच सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों की तरह भी आज का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको सामंजस्य बैठाने में मुश्किल आ सकती है। दोस्तों, संतान संबंधी आप लोगों का कोई मामला निपट सकता है। करीबी लोगों के साथ में खास योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। दोस्तों, आर्थिक दिक्कतें दूर रहेंगी व धार्मिक अध्यात्म की दृष्टि से भी आप लोग का योजना काफ़ी बढ़ेगी। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको अच्छी तरह आता है, इसलिए आप भी सबकी नज़रों में अच्छी छवि बना पाते हैं। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। दोस्तों, जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उन्हें और अधिक कार्य करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों, स्टूडेंट को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, मनोबल में मजबूती रखें। तनाव के कारण काम को टालने की कोशिश ना करें, नकारात्मक हावी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, बिजनेस में जिम्मेदारी संबंधी फैसला लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें,
बाहरी सोर्स से पता चल रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं, इसलिए अपनी एक आंख खुली रखें व दूसरी आंख से अपने काम पर ध्यान दें। कुंवारे लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, जैसा वह चाहते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आरंभ होगा। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने में कामयाब रहेंगे। आपके पिताजी आपके व्यवसाय में कुछ धन भी खर्च करेंगे। जीवन साथी द्वारा आपको कोई उपहार मिल सकता है। दोस्तों, थोड़ा समय परिवार वालों के साथ में मनोरंजन बिताने के लिए। प्रेमी संबंधों में भी दोस्तों कुछ गलत फहमियाँ रह सकती है, इसलिए आप लोगों को समय अवश्य देना चाहिए। तनाव को दूर ही रखें तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। दिन सुकून भरा रहेगा। दोस्तों और संबंधियों से मदद मिलेगी। किसी खास कार्य के सिलसिले में वार्तालाप भी हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य को करने के पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना बेहद आवश्यक रहेगा आपके लिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने में आप अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखें व समाधान ढूंढें। दोस्तों, कुछ बातों के कारण नजदीकी लोगों के साथ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन चीजों में आप समस्या नहीं समाधान ढूंढें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। पुरानी नकारात्मक बातों से दूर रहें। परिस्थितियां सुधारने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन संयम और मेहनत के साथ में आप काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, भाइयों के साथ में चल रहे विवाद किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकते हैं। व्यवसाय स्थल पर परिवर्तन लाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करना आवश्यक है। हालांकि टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आ सकता है। नौकरी में अपने ऊपर कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसे नजदीकियां बढ़ाएगा। दोस्तों, कोई खास मतलब पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। दोस्तों, आपको मनोरंजन के मामले में भी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक स्थानों पर भी जाने का मौका मिलेगा। खुद पर आप लोगों को भरोसा रखना है, तभी आप हर कार्य जिम्मेदारी के साथ में करने के लिए खुद को सक्षम बनाएंगे। दोस्तों, अपने विपरीत लिंगी दोस्त के साथ में मेल मिलाप करते समय मर्यादा का खास ध्यान रखें। किसी भावनात्मक आध्यात्म का असर स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को काम की तारीख मिलने से आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। बढ़ते हुए खर्चे आपके सिर पर सिर दर्द बन सकते हैं, जिसे कि आपको बचना होगा। आप आज दोस्तों के साथ में कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। माता जी को यदि कोई चीज लंबे समय से परेशान कर रही थी तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। करियर के मामलों में आपकी राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपके लिए किसी अच्छे संस्थान से बुलावा आ सकता है। आपके बच्चे परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मेहनत करेंगे और उन्हें देखकर आपका मन काफी प्रसन्न होने वाला है। आपकी कोई जरूरी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और काम धंधे में आज निवेश करना लाभ देने वाला रहेगा। काम धंधे से संबंधित कार्यों में अच्छी बिक्री होती हुई देखी जाएगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने से काम में आपका मन लग जाएगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों की व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन कार्य पूर्ण होने पर अधिक थकान नहीं लगेगी। वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे के कारण झगड़ा हो सकता है। स्वाभाविक उग्रता को अपने ऊपर हावी होने देने की गलती ना करें व खुद पर काबू रखने के लिए सब कुछ सही रहेगा। खुद पर दोस्तों आप लोगों को जरूरत से ज्यादा लोड यानी कि वर्कलोड देने की आवश्यकता नहीं है। सफलता पाने के लिए आप लोगों को नेक रास्ता अपनाना चाहिए। घर में छोटी सी बात पर कुछ बातें बिगड़ सकती हैं। मौजूदा व्यवसाय में दोस्तों नए कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ में खेलने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप लोन लेने वाले थे और काफ़ी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। आज ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपका प्यार ना सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई उपलब्धियों को भी छू सकता है। दिन की शुरुआत प्रिय मुस्कान से होगी और रात
उसके सपनों में ढलेगी। नए प्रस्ताव आकर्षक होंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी का काम नहीं है। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का खास ख्याल रखना चाहिए। याद रखें कि अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में सेहत से भी ज़्यादा मिठास है। दोस्तों, प्यार और परिवार की बात की जाए, बड़े भाई बहन और दोस्त आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। यदि साथी के इंतज़ार में हैं तो खुश हो जाएं, क्योंकि जल्द ही आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। आपके आकर्षण और करिश्मा किसी का भी दिल जीत सकता है। रिश्तों का महत्व आपसे अधिक कोई और नहीं समझ सकता है। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। आप अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नम्र रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कोई सरप्राइज़ मिलने की भी संभावना है, या आप भी अपने प्रिय के लिए कुछ खास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का